से आया भाई? भैया मैं आया हूँ खरीदवारी डिवाई। क्या नाम है आपका? ऋषभ पाठक। अच्छा, कैसा पेपर हुआ? पेपर भैया हो सकते हैं इजी टू मॉडरेट हो सकते हैं उसके लिए। ओके, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें? 125। अच्छा, और सभी सही करने का ट्राई किया है? तुक्के भी मारे हैं? नहीं, तुक्के तो नहीं है, लेकिन सिंगल डिजिट में मिस्टेक हो सकती है। ओके, तो इजी सेक्शन कौन सा लगा? इजी सेक्शन भैया मैं बताऊँ आपको तो रीजनिंग ही रहता है। अच्छा, इस पेपर में भी है, मैथ भी थोड़ा इजी है लेकिन। और टफ कौन सा लगा? टफ तो भैया हो सकते हैं जीएस तो होती टफ है। अच्छा, कुछ लोग तो हिंदी टफ बता रहे हैं। हिंदी नहीं भैया, हिंदी टफ नहीं है। थोड़ी जैसे एक आया था हरिवंश राय बच्चन का जो वो है क्या। अच्छा, एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं ऐसे जो फंसने वाले हों, बाकी के तो सब ऐसे ही हैं जो जनरल हिंदी में आते हैं उसी तरीके के। मानसिक अभिरुचि के एक भी नहीं पूछा, तो मतलब पूरा चेंज ही कर दिया है ना दोबारा से। तो ओवरऑल अगर देखा जाए जो बच्चे आगे सिस्टम में पेपर देंगे उन्हें ज्यादा क्या पढ़ना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? जैसे जीके की बात करूँ तो मैं, या जीके तो मैं वेटेज किसका ज्यादा रहा है जैसे जीके में, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, किसका? सब चीज भैया मतलब इक्वली रहा है उसमें, और करंट के शायद 3-4 क्वेश्चन आ गए हैं उसमें। अच्छा जी, और कुछ ऐसा नहीं है। और एंट्री का क्या प्रोसेस है, किसी को कोई दिक्कत हो रही है? आपका आधार कार्ड होना चाहिए। ओके, मेन तो आधार कार्ड है, और कुछ हो या ना हो और एडमिट कार्ड। बाकी का किसी को कोई दिक्कत? एंट्री कितने बजे तक हुई थी लास्ट? भैया लास्ट वैसे भी आज तो मौसम ऐसा रहा था तो 9:30 तक तो है ही है। चलो ठीक है भाई। एटा से। क्या नाम है? सचिन कुमार। तो आज पहली शिफ्ट का पेपर था, पहले दिन का कैसा पेपर हुआ? पेपर तो ठीक हुआ, मैथ मतलब। कितने अटेम्प्ट करे तुमने? मैंने किया 140। तो पेपर का जो सबसे बढ़िया लेवल तुम्हें मतलब सबसे बढ़िया सब्जेक्ट कौन सा लगा, कि कौन सा इजी आया है? जी मतलब हिंदी जो मतलब पढ़ा हुआ है ठीक ठाक, वो 32-33-34 तक कर सकता है। अच्छा, और सबसे टफ मैथ में मतलब टफ जीएस मान लो। अच्छा, मतलब मैथ कैसी है? मैथ भी ठीक है? मैथ 19 क्वेश्चन मैंने किए, एक केवल ठीक था बस। अच्छा, तो 140 में से तुम्हें कितने लगते हैं कितने ठीक आ जाएंगे? मेरा समथिंग होगा 130 के समथिंग। अच्छा, जिनका अगली शिफ्ट में पेपर होने वाला है या आगे पेपर होने वाला है उन्हें क्या ज्यादा पढ़ना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? मानसिक अभिरुचि बिल्कुल आया ही नहीं एक भी क्वेश्चन। अच्छा, पहले जो क्वेश्चन आए थे वो वाले क्वेश्चन नहीं आए इस बार? अच्छा, तो पूरा चेंज कर दिया, तो फिर रीजनिंग इजी हो गई? रीजनिंग हाँ इजी हो गई, 2-4 क्वेश्चन थोड़े नए टाइप के डाल रहे भाषा वाले। तो ओवरऑल तुम्हारे हिसाब से पेपर मॉडरेट कह सकते हैं? इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। अच्छा चलो ठीक। सर विपिन कुमार, कहाँ से आए हो? हाथरस से। कैसा हुआ पेपर आज? सर अच्छा हुआ एकदम। कैसा आ रहा है पेपर? पेपर का लेवल ठीक आ रहा है एकदम। अच्छा, एंट्री का क्या प्रोसेस है यहाँ पे? किसका एंट्री जैसे हो रही है सेंटर में? एंट्री का हाँ, एंट्री का 8:30 बजे से एंट्री है, मतलब 8 बजे से। अच्छा, क्या क्या चीज चेक कर रहे हैं उसमें? आधार कार्ड चाहिए और फोटो चाहिए। तो केवाईसी वगैरह जो हो रही है वो किस तरीके से कर रहे हैं जिनकी नहीं हो रखी है पहले से? जिनकी केवाईसी नहीं हो रखी है वो वहीं पे कर रहे हैं वो अपना। अच्छा, आधार कार्ड के थ्रू। तो तुम्हें ओवरऑल पेपर में सबसे इजी सेक्शन कौन सा लगा? सबसे इजी सेक्शन लगा था रीजनिंग। अच्छा, रीजनिंग और मैथ। मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चन आए या नहीं आए पहले जैसे? एक भी क्वेश्चन नहीं आया। अच्छा, मैथ इजी लगा? मैथ इजी था। अच्छा, तो कठिन क्या लगा फिर तुम्हें? कठिन हिंदी लगी थी। अच्छा, हिंदी कठिन लगी? और जीएस? जीएस भी ठीक ठाक थी। क्वेश्चन लगे तो जीएस कठिन बता रहे हैं कि जीएस कठिन है। हां, जीएस भी कठिन थी, इतनी भी कठिन नहीं थी पर, लेकिन हिंदी कठिन थी। अच्छा, टोटल ओवरऑल कितने अटेम्प्ट करे? सर मैंने किए 129। 129 कितने सही होंगे फिर भी? हो सकता है 110। 110 मतलब थोड़े बहुत तुक्के मारे। हां चलो, बढ़िया हो गया ओवरऑल पेपर। ठीक हुआ। चलो ठीक है, थैंक यू।